वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिक संगठनों के सदस्यता सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप कंपनी प्रबंधन पर लग रहा है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि चर्चा ईस्ट में मैन पावर 650 है, जबकि प्रबंधन ने सदस्यता सत्यापन का चेक लिस्ट दिया वह 808 श्रमिक का है। यह सोची समझी साजिश है। दरअसल यूनियन सदस्य सत्यापन के तहत सोमवार शाम 5 बजे चुनाव अधिकारी क्रमिक प्रबंधन के द्वारा सदस्य संख्या की जानकारी दी गई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ को सर्वाधिक सदस्य संख्या प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चर्चा क्षेत्र में बीएमएस यूनियन सबसे आगे रही, पर अन्य 4 श्रम संगठन एकट, इंटर्न, एचएमएम और सीटू ने इसका भारी विरोध किया। बता दें, क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई। अन्य यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके पास इसका पुख्ता सबूत है कि एक श्रमिक ने 2 जगह सदस्यता सत्यापन कराया है, इसमें कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। यूनियन पदाधिकारी महेश कुमार यादव ने कहा कि एचएमएस प्रबंधन के द्वारा मानमानी की गई है। वहीं मोहम्मद रियाज ने कहा कि निराकरण नहीं होने पर महाप्रबंधक के पास लिखित ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, मैं सीटू श्रम संघ से चर्चा वेस्ट में सचिव हूँ और यूनियन की जो वेरिफिकेशन चल रहा था उसमें हम लोग 500 श्रम संगठन ने भाग लिया था और इसके बार बार रिपोर्ट दिया जा रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ी हो रहा है। हम इस गड़बड़ी में जो भी गड़बड़ी हुआ है, इसमें जो भी चीज़ है, इसकी एक जांच कमेटी बैठाया जाए और जांच कमेटी बैठाने के बाद इसकी जाँच किया जाए और दोनों जने के रजिस्टर को चेक किया जाए, जाँच किया जाए, जिसका भी डबल नाम है उसका नाम को पूरा रद्द किया जाए, उसके बाद इस काउंटिंग को माना जाएगा। आगे आगे अगर हमारी इस चीज को नहीं मानेंगे तो हम लोग किसी भी बात तक जाएंगे और आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे, जो भी हो सकता है हम लोग आगे जाएंगे। ये पूरी ये लापरवाही हमारे तरफ से प्रबंधक की है, जिसको हम लोग अगवा करते हुए भी बार बार बैठक जीसीसी मीटिंग होते हुए भी इसमें गड़बड़ी आई है और इससे हमसे कोई शिकवा गिलात नहीं। हम चाहते हैं इसकी जांच कमेटी बैठाए और जांच करने के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट है वो दिखाते, बस खत्म बात है। इसे हम नहीं जाए, डबल नाम है जिसको रद्द कर दिया जाए। मामला ये है कि वेरिफिकेशन 13 तारीख और 15 तारीख को 5-4-5 श्रम संघ का वेरीफाई के लिए जितना भी 31 मार्च को जमा किए थे उसका वेरीफाई करके उसका किया जाता है ताकि रिडक्शन इस महीना में हो सके। लेकिन जबकि मेन पावर चर्चा वेस्ट का 1200 कुछ है और चर्चा इसका 600 कुछ है, लेकिन 1600 मेन पावर चर्चा वेस्ट में लिस्ट दिया गया है और चर्चा ईस्ट में 900 के लगभग लिस्ट दिया गया है। ये सरासर गलत है, जिसको समस्त ट्रेड यूनियन ने विरोध किया था। लेकिन आज जो ये जो झमेला जितना भी पैदा हो रही है, इसका झमेला का कारण सिर्फ एक है कि चर्चा ईस्ट में जो कर्मचारी डाले हैं अपना मत, वो वेस्ट में भी दिए हैं। मामला ये है कि वेरिफिकेशन में धांधली की गई है, बीएमएस के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा मनमानी की गई है। एक यूनियन दोनों चर्चाओं की दोनों माइंस में वेरिफिकेशन करा रहा है, एक ही मेंबर दोनों जगह जाके वेरिफिकेशन कर, जो कि सरासर गलत है और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार का मैनेजमेंट दुरुपयोग कर रही है और मनमानी कर रही है।